पूरे बिहार में कल सिपाही भर्ती परीक्षा हुई। परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों ने अपने किस्मत को आजमाया, मगर कई जिलों में मुन्ना भाई पकड़ाए। देखिए मुन्ना भाई आखिर क्या कर रहे थे। आप अवगत होंगे कि ये मुन्ना भाई बिहार के कई जिलों में चीटिंग करवा रहे थे। पहले भी छापेमारी हुई, मगर उसके बावजूद कई लोगों के पास आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर तक लोगों के पास मिले। अब ऐसे में पकड़ाए हुए मुन्ना भाई के पास से अब ईओयू उनसे उगलवाएगी कि आखिर इस साजिश के पीछे क्या है। देखिए ईओयू की स्पेशल टीम तैयार हो चुकी है, यानी आर्थिक अपराध इकाई की एक स्पेशल टीम इस पूरे मामले को खोलेगी, दर पर दरत हर चीज़ का उद्भेदन करेगी। देखिए बिहार के कई जिलों में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी कल, और आज ही जिस तरीके से बातें सामने आने लगी कि पेपर लीक हुआ, कई तरह के कई राजनीतिक नेता इस पर सवाल भी खड़ा कर रहे थे। मगर अब देखिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना के द्वारा दिनांक 1/10/23 को, यानी कल, जो संपन्न हुई थी प्रतियोगिता परीक्षा में हुई अनियमितता एवं कदाचार के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति ईओयू की तरफ से, बिहार पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा पटना द्वारा 1/10/23 को आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्रों पर कई परीक्षार्थी कदाचार करते हुए पकड़े गए थे, और साथ ही इस संबंध में विभिन्न माध्यमों एवं सोशल मीडिया पर कथित अनियमितताओं की सूचना एवं जानकारियों को साझा किया जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू बिहार पटना के द्वारा राज्य के सभी जिलों में दर्ज सिपाही भर्ती परीक्षा कदाचार से संबंधित सभी कांडों का अनुश्रवण प्रारंभ किया गया है, यानी अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, एक्शन में ईओयू है, और उनके अग्रतर जांच एवं अनुसंधान हेतु एक विशेष अनुसंधान दल यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो गठन किया गया है। और अभी तक इस मामले में कुल FIR की बात करें तो बिहार के कई जिलों में, सभी जिलों की बात करें तो 61 FIR दर्ज की गई हैं। उनका विवरण प्राप्त कर अनुश्रवण किया जा रहा है, और इस संबंध में प्राप्त अन्य सूचनाओं का भी समावेश कर अनुसंधान किया जाएगा। जिलों में दर्ज सभी कांडों को आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू बिहार के द्वारा टेक ओवर कर अनुसंधान किया जाएगा। भविष्य में किसी परीक्षा में संबंधित अन्य शिकायतें प्राप्त होने पर उनका भी अनुश्रवण एवं अनुसंधान किया जाएगा। इन कांडों में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ईओयू अब मूड में नहीं है उन लोगों को बख्शने के जो लोग इस तरीके के कारनामे अपनाते हैं। देखिए बिहार पुलिस ने 21,391 पदों पर बहाली निकाली थी। कांस्टेबल के पदों पर सीधी नियुक्ति बिहार पुलिस ने निकाली, और इस बीच एग्जाम जब हुआ तो एग्जाम के पहले 24 घंटे पहले बिहार पुलिस अलर्ट मोड पर आ जाती है। कई जिलों में छापेमारियां होती हैं, मगर उसके बावजूद सेंटरों पर से कई मुन्ना भाई पकड़ाते हैं। बिहार पुलिस एक्शन में नजर आने वाली है। ईओयू की टीम बन चुकी है, इन लोगों को अब छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, अब उन लोगों को भीतर कर दिया जाएगा जो लोग इसके पीछे, इस साजिश के पीछे नजर आने वाले हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।